फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड ग्लैमर रश्मि। और मैं हूँ रश्मि। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपना हैंकी कलेक्शन, जो कि मुझे रिक्वेस्ट किया गया। हैंकी से अलग अलग स्क्वायर फोल्ड करके दिखाइए, वो भी वन हैंड से। तो चलिए गाइस, मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू है, वो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही में जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, मैं अब अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हम एक हैंड से ये हैंकी को स्क्वायर करके, फिर उसके बाद अपना नोज और माउथ को पे होल्ड करके दिखाना है, और फिर मुझे गैग भी करना है। सो गाइस, मैं अपने ये वाले हाथ को पीछे कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने पीछे कर लिया है। और मैं अब एक एक कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ। ये है फर्स्ट हैंकी, ये मेरा फर्स्ट हैंकी है, देख सकते हो काफी क्यूट सा है और बहुत ही सॉफ्ट सा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है। एक मुट्ठी में आराम से बंद कर सकते हो उसको। और अब मैं इसे एक ही हैंड से इसको मैं स्क्वायर करके दिखाऊंगी आपको, और अपने नोज पे होल्ड करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो मेरा हैंड पीछे है, मैं वन हैंड से आपको करके दिखा रही हूँ। सो गाइस, आपको कहीं बाहर जाना होता है और कहीं स्मेलिंग वगैरह आ रही होती है, तो आप अपने नोज वर्क कर सकते हो। और इसे दूसरी टाइप से स्क्वायर करके दिखाती हूँ मैं, देख सकते हो गाइस। वन हैंड से आप ऐसे क्लोज कर सकते हो अपनी नोज को। नेक्स्ट है गाइस हैंकी, ये टॉल हैंकी है और ये बहुत ही क्यूट सा है, देख सकते हो आप। बहुत ही प्यारी सी इस पे डॉल बनी हुई है, मुझे ये हैंकी बहुत पसंद है। तो चलिए गाइस, मैं इसका भी आपको स्क्वायर करके दिखाती हूँ। देख सकते हो गाइस, अगर आपको ये हैंकी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो, और फोल्ड करने के बाद ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल करने के बाद फिर आप ऐसे होल्ड कर सकते हो अपनी नोज को। ये सेकंड हैंकी था मेरा। नेक्स्ट हैंकी है वही, ये कलर अलग है बट बाकी इस पे भी स्माइली बनी हुई है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हैंकी। और मैं इसको भी आपको स्क्वायर करके दिखाती हूँ। तो आप ऐसे कवर कर सकते हो, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, पोल्यूशन हो रहा होता है, और आप ऐसे नोज और माउथ को ऐसे क्लोज कर सकते हो, ताकि धूल मिट्टी आपके अंदर अब्सॉर्ब ना हो, आप उस चीज से बच पाओ, पोल्यूशन से बच। और अगर ये हैंकी भी आपको बड़ा लग रहा है, तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो, ट्रायंगल शेप बना सकते हो। अगर आपको उस हिसाब से नहीं लेना है, तो आप इसको इस हिसाब से भी ले सकते हो, नोज एंड माउथ दोनों को कवर कर सकते हो। ये वाला हैंकी मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट है और मेरा फेवरेट है। इतना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो इस पे हार्ट शेप बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर है ये हैंकी। चलिए मैं इसको भी आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ये हो गया फोल्ड, और अब मैं इसको ये वाला हैंकी, ये कॉटन का है, सिंपल और सोबर हैंकी है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। चलिए मैं इसको फोल्ड करके दिखा दूंगी आपको।
ये हो गया। नेक्स्ट हैंकी है मेरा जो मैंने आपको पहले दिखाया था जिसपे डॉल बनी हुई थी, ये भी वैसा ही है बट कलर इसका अलग है। ये भी टॉवल हैंकी है और इसपे भी बहुत ही क्यूट सा मंकी बना हुआ है। तो चलिए गाइस मैं इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। मेरा ये वाला हैंड पीछे है, आप देख सकते हो तरह से इसको ले सकते हो ऐसे। सो गाइस देख सकते हो आप पूरा नोज और माउथ दोनों कवर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। तो चलिए गाइस आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही में फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो यही खत्म होती है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।